पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी बुधवार को मोहाली कोर्ट में पेश हुआ। पता चला है कि इस दौरान जिस यूपी नंबर के एम्बुलेंस से मुख्तार मोहाली कोर्ट गया था, वो एम्बुलेंस एक निजी एम्बुलेंस थी जिसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी में एक निजी अस्पताल के नाम से है। मोहाली के एक बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में मुख्तार अंसारी की बुधवार को मोहाली कोर्ट में पेशी थी। इसके लिए वो रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट पहुंचा था। रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट तक मुख्तार को यूपी नंबर की एक निजी एम्बुलेंस से लाया गया। छानबीन करने पर पता चला है कि वो एम्बुलेंस यूपी के बाराबंकी के एक निजी अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड है। एम्बुलेंस का नंबर UP 4180717 है। यूपी में एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी का बयान है कि मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाने वाली एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश की किसी भी सरकारी अस्पताल से नहीं जुड़ी है। अब इस मामले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक अलका राय ने सवाल उठाते हुए ट्वीट कर डाला है। उधर बसपा सांसद अतुल राय ने बसपा विधायक मुख्तार अंसारी से खुद को जानकर खतरा बताया है। बसपा सांसद ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव गृह और DGP तक को इस संबंध में एक पत्र लिखा है, जिसमें अतुल राय ने कहा कि नैनी जेल में मुख्तार के आने से उनकी जान को खतरा होगा। सांसद ने अपने पत्र में वाराणसी, सोनभद्र से लेकर मऊ तक के कई मामलों का उल्लेख किया है। उन्होंने पत्र लिखकर मुख्तार को नैनी जेल में शिफ्ट न करने की मांग की है। दरअसल बसपा सांसद अतुल राय भी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, उनके खिलाफ रेप का मामला चल रहा है। न्यूज रूम से खबरें अभी तक की रिपोर्ट।